मेरा मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि हम लोग कृषि विभाग से कंप्यूटर ऑपरेटर पर पद पर काम कर रहे हैं। कितने साल? लगभग 7 साल 8 साल हो गए। हम लोग को आज सेवा प्रदाता के द्वारा निकाला जा रहा है बाहर, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से यही दरख्वास्त है या निवेदन है कि हम लोग को लगातार बनाए रखें। हम कृषि विभाग का कार्य लगातार करते रहेंगे, निष्ठापूर्वक किए हैं और करते रहेंगे। मैं उम्मीद लेकर यह आया हूँ कि कृषि विभाग जो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग एक विभाग है जो पारदर्शी किसान योजना के अंतर्गत जो है हम लोगों की नियुक्ति की गई थी 2015 में, तो लगातार 7 वर्षों तक अभी तक जो है सभी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदेश के समस्त विकास खंडों में अपना अपना जो है योगदान देकर, अपना अमूल्य वक्त देकर इसको जो है पूर्ण रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और अपने कार्य को अपने जो है बिना किसी भाव से जो है अपना पूरा कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है हम विभाग में हम लोगों का जो है स्थायीकरण या विभागी या फिर जो है जेम पोर्टल की किसी न किसी माध्यम से कराया जाए, क्योंकि ये 823 कंप्यूटर ऑपरेटरों के भविष्य का सवाल है और जो है क्योंकि इससे जो है समस्त ऑपरेटर जो है बेरोजगार हो जाएंगे। और माननीय हमारे योगी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये एक जो है सपना है कि समस्त मतलब प्रदेश के समस्त युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। इससे जो है हम लोगों की आर्थिक संकट जो है हम लोग जो है बहुत आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। हम लोग कृषि विभाग से हैं, प्रयागराज से हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर सारे यहाँ के जनपद के 23 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इकट्ठा हुए हैं सब लोग। हम लोगों की मांग ये है कि माननीय योगी जी से मांग ये है कि जो संविदा कर्मी हैं उनको जो है जेम पोर्टल से जोड़ा जाए और ये जो प्रदाता हैं, सेवा प्रदाता, उनके टेंडर ख़त्म हो चुके हैं तो हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो इनको जो है जोड़ा जाए सभी लोगों को। एक पूरे प्रदेश में 75 जिलों में जो है 823 जो कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त हुए हैं, तो ये प्रक्रिया जो है सब पर लागू हुई है पूरे प्रदेश पर जो है। तो हम लोग प्रयागराज से जो है ये बोल रहे हैं कि ये मांगे हमारी पूरी की जाए। योजना इसमें DBT योजना है, PM किसान की योजना है, इस योजना नमामि गंगे की योजना है। 24 आवर्स हम लोग काम किए हैं इस पर, PM किसान योजना पर, ऋण मोचन पर जो है, और योजनाएं भी हैं, सभी पर हम लोगों ने बहुत मेहनत करके काम किया है और आज ये समय आ गया है कि हम लोगों को सेवा प्रदाता के द्वारा जो है बाहर कर दिया जा रहा है और इस पर जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे विभाग से यही डिमांड है कि जो है हम लोगों को जो है किसी भी सेवा प्रदाता या जो है जेम पोर्टल से या संविदा विभागीय पोर्टल से किसी स्तर पे जो है जोड़ के काम कराया जाए हम लोगों से। पुराने लोग हैं उनको प्राथमिकता दे करके रखा जाए। जी जी, पुराने लोगों